गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमने पिछले वीक में चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, हमारे फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, आवर फेस्टिवल्स। ठीक है, आज हम उसका लेक्चर 1 ही पढ़ा था। लेक्चर 2 में कुछ और फेस्टिवल के बारे में मैं बताऊंगी। अब है गुरु पर्व, हमने ईद तक तो पढ़ लिया था, क्रिसमस, ईद, होली, दिवाली वगैरह। अब हम आज गुरु पर्व के बारे में पढ़ेंगे। गुरु पर्व किसका होता है? सिख लोगों का क्या होता है, ये त्यौहार होता है ना। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, ये किसके बर्थ के रूप में मनाई जाती है? गुरु नानक देव जी के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, मतलब उनके बर्थडे के रूप में। द फर्स्ट फाउंडर गुरु ऑफ द सिख इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व, उनके जो फर्स्ट गुरु के, सिखों के जो प्रथम संस्थापक थे ना, गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी, ये उनके बर्थडे के रूप में गुरु पर्व को मनाया जाता है। On these occasions, people of Sikh community light lamps, exchange sweet with relatives and friends. उस occasion पर, उस दिन जो है ना, इस अवसर पर, occasion नहीं होता, अवसर, इस अवसर पर people of Sikhs, यानी Sikhs के लोग जो होते हैं, वो क्या करते, Sikh of people community, यानी Sikh लोग के जो समुदाय के लोग होते हैं, वो light lamps क्या करते, लोग लाइट और लैम्प, रिश्तेदारों, एक्सचेंज स्वीट विथ रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, लाइट लैम्प्स और एक्सचेंज किसके साथ में, एक दूसरे को देते, जैसे हमारे दिवाली पर मिठाई वगैरह देते, उस तरह से इनके भी रिलेटिव या फ्रेंड्स में एक दूसरे को बांटते। ऑन द पायस डे प्रोसेशंस आर टेकन आउट, लंगर्स ऑर्गेनाइज एंड प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूट। ऑन दिस पायस डे, यानी इस पुण्य दिवस पर, प्रोसेशंस आर टेकन बट क्या करता जाते, जुलूस निकाला जाता है, और है ना, लंगर्स आर ऑर्गेनाइज, लंगर आयोजित किए जाते हैं, आपने देखा ना सिख लोगों के, एंड प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूट, और प्रसाद बांटा जाता है। तो ये हमने गुरु पर्व के बारे में पढ़ा था। अब हम लोहड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लोहड़ी किसका त्यौहार होता है? पंजाबियों का त्यौहार होता है ना, पंजाबी है या फिर सिंधी है, ये कब मनाया जाता है? थेनार, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th ऑफ जनवरी, 13 जनवरी को ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, लोहड़ी। और ये है ना, हमारे जो संक्रांत आती है ना, उसी की तरह होता है, लेकिन हमारे मकर संक्रांति हम 14 को सेलिब्रेट करते हैं और ये 13 को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ ए फेस्टिवल टू वर्शिप फायर, ये किसका त्यौहार है? आग का। मतलब लोहड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फन फेयर इन नॉर्थ इंडिया। लोहड़ी के दिन क्या किया जाता है? अग्नि की पूजा की जाती है, और ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में बहुत ही क्या करते हैं, उत्तर भारत में बहुत अच्छे से, बड़े मज़ेदार के साथ में मनाया जाता है फन फेयर। यानी एट नाइट पीपल गैदर अराउंड द बोन फायर एंड थ्रो टिल रेवारी एंड पॉपकॉर्न्स इन टू द फ्लेम्स ऑफ द बोन फायर, क्या करते बोन फायर, एट नाइट पीपल गैदर, यानी रात को लोग जो होते अलाव के, गैदर अराउंड द बोन फायर, यानी आग के अराउंड, आग के चारों ओर, थ्रो आग के एक तो चारों ओर चक्कर काटते, चारों ओर यानी इकट्ठा हो जाते, ठीक है, जैसे होली मनाते ना उसी तरह। फिर इनके क्या करते, उसके अंदर तिल, रेवन एंड पॉपकॉर्न, उसके अंदर है ना मक्की वगैरह, तिल है जो भी, इनके अंदर पॉपकॉर्न तो जानते हो आप, फुलिया वगैरह जो भी है डालते हैं ना आग की लपटों में। और पीपल मेक मैरी बाय डांसिंग एंड सिंगिंग ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, और इनके लोकगीत होते हैं उन पे है ना, जो लोकप्रिय वगैरह जो गीत होते हैं उन पर क्या करते, डांस भी करते और गाना भी गाते। अब है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ फार्मर इन साउथ इंडिया टू सेलिब्रेटेड द हार्वेस्ट सीजन। पोंगल जो होता है साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के, टू सेलिब्रेट हार्वेस्ट सीजन, फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स, किसानों द्वारा, ठीक है, फसल का मौसम है ये, फसल का मौसम होता है हार्वेस्ट सीजन, यानी फसल का मौसम है जो किसानों द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत में। द वर्शिप गॉड ऑफ सन, क्या करते हैं, सूरज भगवान की पूजा करते हैं।
रन सन, एक तो है ना द वर्शिप ऑफ द गॉड ऑफ सन, किसकी पूजा करते, एक तो सूरज की, रेन बारिश की, क्योंकि ये मैंने कहा ना अभी फसलों के मौसम में आता है इसलिए, रेन एंड देयर फार्म एनिमल ऑन दिस डे, और किसकी पूजा करते, जानवरों की और खेतों की भी पूजा करते हैं। ये तो हमने पोंगल के बारे में पढ़ा, अब है रिपब्लिक डे, तो हम इसके बारे में, रिपब्लिक डे और नेशनल फेस्टिवल, इसके बारे में हम लेक्चर 2 में कल पढ़ेंगे। ओके, ये जो तीनों ही ये नेशनल फेस्टिवल वगैरह है हम कल पढ़ेंगे लेक्चर 2 में।